इस समय 2018 चल रहा है, पर आज के वीडियो में आपको मेरे साथ 2050 में जाना होगा। वहां जाकर हम बसने वाले नहीं, बस 10 मिनट के लिए जाने वाले। शुरू करते हैं। ये है साल 2050। दुनिया के सुपर पावर जैसे भारत, चीन, अमेरिका जैसे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक मीटिंग के लिए आए हुए हैं। ये एक इमरजेंसी मीटिंग है, क्योंकि पृथ्वी का एवरेज तापमान तेजी से बढ़ रहा है। यूएसए के पूर्वी दक्षिण हिस्से को एक तूफान ने नष्ट कर दिया है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश समुद्र में जल स्तर बढ़ने के कारण अपने लोगों को दूसरे देशों की शरण में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अब गरीबी दुनिया से लगभग खत्म हो चुकी है। बस एक ही सड़क पर इलेक्ट्रिक वाहन चलने की वजह से पेट्रोल और डीजल की डिमांड घट गई है। पेट्रोल डीजल से ज्यादा अब पीने का पानी महंगा हो गया है। पुरानी गलतियों ने असर दिखाना शुरू कर दिया है और हम अब प्रकृति को नुकसान पहुंचाना कम कर रहे हैं, क्योंकि हम जान गए हैं कि अगर अब भी हम नहीं सुधरे तो खाक में मिल जाएंगे पुरानी सभ्यताओं की तरह। पृथ्वी बंजर ग्रह बनने वाली है। पृथ्वी को बचाने के लिए 4 साइंटिस्ट आगे आए हैं, जिनके आइडियाज से पृथ्वी के औसत तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है, जिससे कि पृथ्वी पर जीवन के चांसेस बने रहें। तो चलिए जानें कि भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए उन साइंटिस्ट ने क्या क्या आइडियाज दिए हैं। मैं चाहता हूं कि ये आइडिया हमारे देश के हर इंसान तक पहुंचे। नंबर 1, साइंटिस्ट 1 का कहना है कि जो भी चीज जितनी डार्क होती जाएगी वो सूर्य की रोशनी को उतनी ही एब्जॉर्ब करेगी, और जैसा कि पृथ्वी के ज्यादातर पेड़ों को काट कर हर जगह बिल्डिंग और अन्य चीजें बना दी गई हैं, तो उन चीजों का रंग ज्यादातर डार्क है। इसी वजह से वो सूर्य की ज्यादा रोशनी और रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रही, जिसकी वजह से धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हमें पृथ्वी का औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक घटाना है तो हर चीज को लाइट कलर जैसे सफेद रंगों से रंगना होगा, और लगभग हर जगह हमें आईना लगाना होगा। आईने की प्लेसमेंट इस तरह से करनी होगी कि सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके स्पेस में भेज दे। लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तापमान घटाने के लिए हमें लगभग इतने आयनों की जरूरत होगी जिसका क्षेत्रफल 15 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हो, जो कि पूरे रूस के बराबर है। हमें ज्यादातर चीजों को सफेद रंग से रंगना होगा, जिससे कि कोई भी चीज सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब ना करके रिफ्लेक्ट कर दे। या फिर अगर हमारे पास इतने सारे आईने नहीं हैं, तो हमें समुद्रों का सहारा लेना होगा। समुद्र अपने ऊपर पड़ने वाली 100% सूर्य की रोशनी में से 94% रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हम समुद्र पर सफेद रंग की बड़ी बड़ी पट्टियों को तैरने के लिए छोड़ दें, तो इससे हमारा काम हो सकता है। इसके लिए हमें समुद्री कचरे का इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं होगा। लेकिन इस आइडिया को अमल में लाने के लिए हमें अरबों डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। नंबर 2, साइंटिस्ट 2 ने एक नया आइडिया दिया है। हम सब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय तापमान कम हो जाता है, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी सफर करके धरती तक पहुंचती है तभी उसके बीच चांद आ जाता है और कुछ रोशनी को चांद एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं कुछ जगह पर चांद की वजह से सूर्य की रोशनी कम पहुंचती है, जिससे तापमान कम हो जाता है। साइंटिस्ट 2 कहते हैं कि अगर हम पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट, जहां पर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव 0 रहता है, वहां पर अगर हम कोई विशाल चीज को स्थापित कर दें, तो हम पृथ्वी का तापमान कुछ हद तक कम कर पाएंगे। 2 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए हमें इतनी बड़ी रिफ्लेक्टिव सरफेस को लैग्रेंजियन पॉइंट पर स्थापित करना होगा, जो कि पृथ्वी के डायमीटर से 2 गुनी बड़ी हो, और इसे बनाना लगभग नामुमकिन है। पर हम पृथ्वी के चारों ओर एक होलो रिंग्स बना दें, जिसकी दूरी पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर ऊपर होगी और जो 3 किलोमीटर मोटी होगी। इस होलो रिंग की मदद से काफी मात्रा में सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके स्पेस में वापस भेज दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि भाई शिवराम सिंह, तुम तो ऐसी चीजें बता रहे हो जिसे बनाने में तो पूरे देश को बेचना पड़ जाएगा। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमें उनके आइडियाज से सीखना है, जिसके बाद आप खुद से नई आइडिया बना सकते हो। तो चलिए देखें कि तीसरे वैज्ञानिक क्या कहते हैं। नंबर 3, साइंटिस्ट 3 अपने आइडिया की शुरुआत शनि ग्रह के चांद टाइटन से कर रहे हैं। टाइटन काफी ठंडा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों ने टाइटन के तापमान का जो अनुमान लगाया था, असल में वो उनके अनुमान से 9 डिग्री सेल्सियस कम है। इसका कारण है वहां का एटमॉस्फेयर। उसके एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां का वातावरण ज्यादा घना है।
इसके कारण वहां ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता। उसका एटमॉस्फेयर सूर्य की रोशनी की हीट को टाइटन की सतह तक नहीं जाने देता। अगर हम अपनी धरती के एटमॉस्फेयर को भी लगभग टाइटन जैसा बना लें तो हम धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक घटा पाएंगे। इसके लिए हमें जर्मेनियम नाम के केमिकल एलिमेंट का इस्तेमाल करना होगा। जर्मेनियम के एटम लाइट को दूसरे एलिमेंट के एटम के मुकाबले ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। हमें धरती से आने वाली 2.7% लाइट को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकने के लिए 3 खरब टन जर्मेनियम के डस्ट को एटमॉस्फेयर की अपर साइड में फैलाना होगा। ये प्रोसेस सिर्फ कुछ साल तक ही काम करेगा, उसके बाद हमें फिर से इस प्रोसेस को दोहराना पड़ेगा। नंबर 4, अब हम सुनते हैं चौथे साइंटिस्ट की राय। उनके मुताबिक 2050 तक हर साल इंसानों की करतूतों के कारण एटमॉस्फेयर में 50 अरब टन CO2 बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर हम पेड़ उगाएं तो CO2 के लेवल को कम कर सकते हैं। एक विशाल ओक ट्री हर साल 1.5 टन CO2 को कंज्यूम करता है, और अगर हमें 50 अरब टन CO2 को हर साल हटाना है तो हमें 34 अरब ओक ट्री उगाना होगा, और इसे उगाने के लिए रूस के क्षेत्रफल से भी बड़ी जगह चाहिए होगी। या फिर हमें CO2 घटाने के लिए ऐसी फैक्ट्रीज बनानी होंगी जो कि CO2 लेवल को कम कर सकें। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर CO2 को कम करने के लिए फैक्ट्रीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी लाना नामुमकिन है। चारों वैज्ञानिकों के आइडिया तो बहुत ही अच्छे थे, पर अब वर्ल्ड लीडर्स ने ये डिसाइड किया है कि ये सभी आइडियाज बहुत महंगे हैं और नामुमकिन है। इसके कारण धरती को उसी हाल में छोड़ दिया जाएगा जिस हाल में वो है। उनके मुताबिक अगर भविष्य की पीढ़ी इस समस्या से बच पाई तो ठीक है, नहीं तो टेम्परेचर राइज होने के चक्कर में पेड़ पौधे, जीव जंतु और इंसानों का अंत हो जाएगा। इंसानों, अभी भी समय है, जाग जाओ। हम 2018 में इस ख्याल में जी रहे हैं कि 2050 में कोई फरिश्ता आएगा और धरती के पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करके चला जाएगा। चलो आप पृथ्वी के बारे में मत सोचो, पर अपने बच्चों के बारे में या फिर उनके बच्चों के बारे में सोचो। क्या बीतेगी उन पर जब वो ये देखेंगे कि उनके पूर्वज उस धरती का सत्यानाश करके चले गए। अभी भी समय है, आप जाग जाओ। भगवान ने आपको वरदान के रूप में पृथ्वी दी है। पृथ्वी को छोड़कर आसपास के ग्रहों और तारों में लाइफ के चांसेस भी नहीं है, तो क्यों हम इंसान इस वरदान को श्राप में जानबूझकर बदल रहे हैं। भगवान करे कि हम अगले 10-20 साल में टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर लें कि दूसरे ग्रहों में रहने लगें, जिससे कम से कम इंसानी सभ्यता तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खत्म नहीं होगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी। तो चलिए बैठ जाइए टाइम मशीन में और लौट चलें हम 2018 में, जहां हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। 3, 2, 1 और लो, आ गए हम वापस 2018 में। दोस्तों, 2050 में साइंटिस्ट के दो आइडिया मुझे बहुत पसंद आए, जिनको हम आम इंसान कर सकते हैं और इसमें कोई खर्चा नहीं है। पहला कि ये हम अपने घरों को लाइट कलर से पेंट करें और कभी डार्क कलर यूज ना करें, ज्यादातर ऐसी चीजों को इग्नोर करें जो डार्क कलर में हो। और दूसरा आइडिया कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, और वो भी ओक के। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ नहीं से कुछ भला। दोस्तों, आपके पास अगर इससे भी कुछ बेहतरीन आइडियाज हैं तो यहाँ शेयर कर सकते हैं।